हेलो दोस्तों, टेक रिप्लाइट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिसोदिया वंश की। इस सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी। इससे पिछली वीडियो हमने चर्चा की थी रावल रतन सिंह जो थे उनके बारे में, महारानी पद्मावती के बारे में, उनके शासनकाल में जो साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। और जो जो छेम सिंह थे उनका जो स्टार्ट हुआ था उनकी शाखा जिसका नाम था रावल, रावलों की जो उन्होंने छेम सिंह ने शाखा स्टार्ट की थी वो समाप्त हो जाती है रावल रतन सिंह के काल में, जब इनका शाखा हुआ था वहाँ से इनकी समाप्त हो जाती है और मेवाड़ जो चल जाता है अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में 1313 में तो रावल छेम सिंह की जो शाखा थी उसका अंत हो जाता है 1303 में रावल रतन सिंह के समय। तो इनके जो भाई थे उन्होंने राहब सिंह ने, जो मैंने आपको कल बताया था, इन्होंने एक सिसोदा वंश, सिसोदा गांव था उसमें जाके सिसोदिया वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था रावल शाखा, राणा शाखा, सॉरी राणा शाखा की इन्होंने शुरुआत की थी। तो इन राणा शाखा के एक वंशज थे हमीर सिसोदिया, क्योंकि उस टाइम चल ही रहा था साथ में, तो एक हमीर सिसोदिया नाम के एक वंशज थे। इन हमीर सिसोदिया ने आकर के यहाँ मेवाड़ पर विजय कर ली थी। मेवाड़ में उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था इन्होंने, है ना। और सबसे पहले राणा की, महाराणा की उपाधि प्राप्त की थी हमीर सिसोदिया ने, और मेवाड़ पर इन्होंने फिर से एक बार इनका इनके मेवाड़ पर गोयल ये सिसोदिया वंश की स्थापना इन्होंने कर दी थी। इसके बाद इन्होंने क्या था, जो महाराणा थे हमारे कुंभाजी, उनके द्वारा लिखी गई थी एक रसिक प्रिया का टीका, ये रसिक प्रिया का टीका इनके द्वारा लिखा गया था। तो इन रसिक प्रिया के टीका में हमीर सिसोदिया को महाराणा कुंभा ने वीर राजा की उपाधि दी थी और एक विषम घाटी पंचानन की उपाधि हमीर सिसोदिया को दी थी महाराणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो रसिक प्रिया का टीका और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखवाए गए थे और रसिक प्रिया इन्होंने लिखा था, तो इसमें रसिक प्रिया में इनको वीर राजा की उपाधि दी थी, जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि महाराणा कुंभा के द्वारा दी थी। फिर बात करते हैं कि जो हमीर सिसोदिया थे, हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया वंश के स्थापक, जो मेवाड़ का उद्धारक है इसको हमीर सिसोदिया को कहा जाता है, क्योंकि रावल रतन सिंह के बाद दोबारा से मेवाड़ पर अपना अधिकार इन्होंने किया था और सिसोदिया वंश की स्थापना इन्होंने यहाँ पर की थी मेवाड़ में। तो इसलिए जो सिसोदिया वंश का जो स्थापक, संस्थापक कहा जाता है वो हमीर सिसोदिया को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमीर सिसोदिया से, कि जो महाराणा हमीर सिसोदिया थे इन्होंने 1326 में मेवाड़ पर फिर से अपना अधिकार किया था और इनका शासनकाल रहा 1326 से 1364 तक मेवाड़ में। फिर इनके पुत्र थे महाराणा क्षेत्र सिंह, पहले जो थे वो राजा अल्लट के पुत्र थे छेम सिंह जी, छेम सिंह उनका नाम था, इसका नाम है क्षेत्र सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह, क्योंकि ये राणा है। तो 1364 में बने थे महाराणा क्षेत्र सिंह और 1382 तक ये महाराणा क्षेत्र सिंह यहाँ के मेवाड़ के शासक रहे। तो इसके काल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया था मेवाड़ को, तो मेवाड़ को बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अजमेर को भी जीता था, मेवाड़ के पास वाला अजमेर जो रियासत थी, भीलवाड़ा को जीत लिया था, हाड़ौती जो क्षेत्र था उसको जीत लिया था। ये हाड़ौती क्षेत्र की जो विजय है, हाड़ौती को जीतने वाली है, एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बताई गई है। इसके बाद इधर जो मालवा था मेवाड़ के पास में, मालवा का दिलावर खान था उसको इन्होंने मार दिया था, तो मेवाड़ और मालवा के बीच में उसी समय से संघर्ष चलना शुरू हो गए थे, क्योंकि इन्होंने दिलावर खान को मार करके मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। इधर मेवाड़ के बाद 56 का मैदान था, 56 के मैदान पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो जनरली क्या था, जो क्षेत्र सिंह जो थे महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 82 तक रहे, तो इन्होंने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था किस पर, कि ये अपना जो मेवाड़ का राज्य है इसको बढ़ाने पर, मेवाड़ क्षेत्र को बढ़ाने पर इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहा। इनके बाद इनका एक पुत्र हुआ था महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसको कहा जाता है लाखा, महाराणा लाखा सिंह।
ये 1382 में छेत्र सिंह के बाद 1382 से और 1421 तक ये राजा रहे। इनका शासनकाल था 1382 से 1421 का। महाराणा लाका का क्या हुआ था? महाराणा लाका के काल में कि एक जावर जगह है, जावर में एक चांदी की खान निकली थी। तो इसके क्वेश्चन आते हैं कि चांदी की खान जो महाराणा लाका के समय में कहाँ निकली थी? जावर में निकली थी। दूसरा, महाराणा लाखा ने क्या किया था? पिछोला झील का निर्माण कराया था। एक बिच्छू मार और चिड़िया मार बंजारे थे, है ना, इन्होंने इन्होंने किया था अपने बैल, दो बैल थे इनके, वो दो बैल मर जाते हैं, उनकी स्मृति में इन महाराणा लाखा के काल में ही पिछोला झील का निर्माण किया था। इन दो जो ये बंजारे थे, इन्होंने किया था पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील के पास क्या था कि एक नटनी का चबूतरा था, नटनी का चबूतरा बनवाया था। कैसे बना था नटनी का चबूतरा? कि एक नटनी थी तो वो जनरली जो दो, मतलब दो खंभों में रस्सी बांध करके उस पर चलती थी, करतब दिखाती थी। तो जो हमारे ये थे महाराणा लाखा जी, इनसे इसकी शर्त लगी थी नटनी की कि जो पिछोला झील है ये इस पिछोला झील को पार कर लेगी तो इनाम में नटनी को, मतलब बहुत सारा राज्य का हिस्सा दे दिया जाएगा। ये नटनी से इनकी शर्त थी। तो क्या हुआ था कि नटनी ने इनकी शर्त मानी और पिछोला झील के दोनों साइड खंभे गाड़े और वहाँ रस्सी बांधकर चलने लगी थी। तो ये चलते चलते पूरा करने वाली थी, जो रस्सी इनकी जो शर्त थी उसको पूरा करने वाली थी। तो महाराणा लाका को लगा था कि ये हमारे राज्य से, हमारे हाथ से हमारा राज्य निकल रहा है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो रस्सी थी उसको कटवा दिया था एक साइड से, तो जो नटनी थी वो पिछोला झील में गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके इनके याद में इन्होंने इस पिछोला झील में एक चबूतरा बनवा दिया जिसे कहा जाता है नटनी का चबूतरा। ये इसकी कहानी है। इसके बाद क्या है, राणा जो लाखा थे, राणा लाखा के दो बेटे थे, एक था कुंवरचूड़ा, एक था राघव देव। तो कुंवरचूड़ा और राघव देव इनके दो बेटे थे। तो मेवाड़ और पास में मारवाड़ क्षेत्र आता है मेवाड़ के, है ना, मारवाड़ जो है, मारवाड़ क्षेत्र, इसमें जो था शासन था राव चूड़ा का। राव चूड़ा की पत्नी थी किशोरी देवी, है ना, और राव चूड़ा का शासन था, इस टाइम इनका एक पुत्र था राव रणमल। ये आपको याद रखने ये कहानी कि राव चूड़ा का पुत्र था राव रणमल और इसकी एक पुत्री थी हंसाबाई, मतलब ये दोनों थे बहन भाई मारवाड़ के। ये मारवाड़ की कहानी है कि राव चूड़ा के राव रणमल और हंसाबाई दो पुत्र पुत्री थे। इन दोनों को क्या किया राव चूड़ा ने, घर से बाहर निकाल दिया, मारवाड़ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। तो जो राणा लाखा थे, राणा लाखा इससे शादी करना चाहते थे हंसाबाई से, जबकि हंसाबाई की शादी होने वाली थी कुंवरचूड़ा के साथ, लेकिन राणा लाखा को शादी करनी थी हंसाबाई से। तो क्या करते हैं, कुंवरचूड़ा को पता चल जाता है, और जब राणा ये जब नारियल को देते हैं शादी से पहले, जो सगाई की रस्म होती है, नारियल को जो देते हैं, तो कुंवरचूड़ा के हाथ में नारियल देने वाले थे, लेकिन वो नारियल कुंवरचूड़ा साजिश करके दिला देता है राणा लाखा के हाथ में। फिर कुंवरचूड़ा बदल जाता है कि जिसके हाथ में ये नारियल गया है शादी तो उसी से होनी है हंसाबाई की। तो शादी कुंवरचूड़ा कराने की कोशिश करते हैं राणा लाखा के साथ हंसाबाई की, लेकिन जो राव रणमल है हंसाबाई के भाई, ये इससे इनकार कर देते हैं, और इनकार कर देते हैं, ये नहीं मानते। तो कुंवरचूड़ा के साथ फिर राव रणमल एक शर्त रखते हैं कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो भी पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। राणा लाखा के पुत्र थे कुंवरचूड़ा और राघव देव, लेकिन ये दोनों नहीं होकर के जो हंसाबाई से जो पुत्र जन्म होगा वही इस मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ये इन्होंने शर्त रखी थी राणा लाखा से हंसाबाई के विवाह की, राव रणमल ने। तो क्या करते हैं, जो कुंवरचूड़ा होते हैं, कुंवरचूड़ा इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और कह देते हैं कि हाँ यही इसका अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। और इसके बाद कुंवरचूड़ा क्या करते हैं, मेवाड़ को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए ये एकदम महाभारत जैसी, जो गंगा गंगा और जो ये हमारे थे महाभारत काल में
हमारे जो पितामह भीष्म पितामह थे उनकी कहानी जो थी सेम बेसिक वैसी कहानी है, तो इसलिए इसको महाराणा प्रताप, ये कुंवर चूड़ा है, इसको भीष्म मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था अपने पिता का हंसाबाई के शादी के लिए मेवाड़ छोड़ने का, तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ से छोड़कर चल जाता है, जबकि राघव देव है इनको वहीं पर सरदार जो है नियुक्त कर देते हैं, मेवाड़ का जो राघव देव को सेनापति नियुक्त कर देते हैं। इसमें क्या होता है, फिर महाराणा लाखा का विवाह हो जाता है हंसाबाई से, और फिर इनका एक पुत्र होता है, हंसाबाई और राणा लाखा का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है महाराणा मोकल, मोकल नाम होता है। ये कहानी इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको शर्त बताई थी इनकी, कि मेवाड़ का इसको भीष्म कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये शर्त मानी थी। फिर इनका एक पुत्र होता है महाराणा लाखा का, काल तो ये था 1421 तक, इनका एक पुत्र था मोकल, मोकल तो ये मोकल राजा बन जाता है 1421 से 1433 तक। और जो कुंवर चूड़ा था, कुंवर चूड़ा और कुंवर राघव, ये कुंवर राघव तो चित्तौड़गढ़ का सरदार बन जाते हैं चित्तौड़गढ़ में, और जो कुंवर चूड़ा है ये प्रतिज्ञा के कारण इसको छोड़ करके चले जाते हैं मेवाड़ को। फिर आते हैं राणा मोकल का, राणा मोकल का काल 21 से 33 का। तो इसमें क्या था, एक तो इनका विवाह हुआ था सौभाग्य देवी, आबू के परमार वंश की थी सौभाग्य देवी, उनके साथ महाराणा मोकल का विवाह हो जाता है। दूसरा, इनके शासनकाल में इन्होंने भोज मंदिर का निर्माण कराया था, भोज मंदिर पहले ही बन चुका था लेकिन उसका पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था, है ना, और पुनर्निर्माण करा के इसका नाम रख दिया था समीदेश्वर मंदिर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि समीदेश्वर मंदिर का निर्माण, समीदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो बनवाया जनरली बनवाया पहले का था लेकिन इसका पुनर्निर्माण कराया था महाराणा मोकल के द्वारा, और इसका नाम रख दिया समीदेश्वर मंदिर। महाराणा मोकल के काल में दो कवि थे, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, इनसे भी प्रश्न आते हैं कि योगेश्वर भट्ट किसके काल में कवि थे, फना पन्ना मन्ना ये शिल्पकार थे महाराणा मोकल के काल के, ये आपको सिर्फ याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ था कि एक झीलवाड़ा अभियान था, झीलवाड़ा अभियान में महाराणा मोकल जाते हैं, तो झीलवाड़ा नाम की जो जगह है, झीलवाड़ा नाम की जो जगह है उस पर ये दो व्यक्ति होते हैं चाचा और मेरा, चाचा मेरा कौन होते हैं, दासी पुत्र थे महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं, चाचा और मेरा जो थे ये महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। ये किसके दासी पुत्र थे, ये पहले जो राजा था इनका महाराणा मोकल के जो चाचा थे उनकी दासी के पुत्र थे चाचा और मेरा, दो व्यक्ति थे ये झीलवाड़ा अभियान के दौरान महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। उस समय क्या होता है कि महाराणा मोकल के पुत्र होते हैं राणा कुंभा, ये भी वहीं पर होते हैं, तो ये भाग करके आते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भाग करके आते हैं, और इनका जो मामा था रनमल, जो हंसाबाई का भाई था रनमल, है ना, उनके द्वारा चाचा और मेरा इन दोनों का वध करा देते हैं, जो राणा कुंभा होते हैं चाचा मेरा दोनों का वध करा देते हैं, और इनका राणा कुंभा का जो पिता था महाराणा मोकल वो झीलवाड़ा अभियान के दौरान मारा गया। अब क्या होता है कि राव जो रनमल होता है, राव रनमल मेवाड़ का था, तो राव रनमल के देख रेख में महाराणा कुंभा छोटी उम्र का था तो महाराणा कुंभा को शासक बना देते हैं राव रनमल की देख रेख में, है ना, और 1433 से 1468 तक ये शासन रहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि इनको जो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिलती है, अभिनव भट्टाचार्य ये प्रमुख उपाधियाँ हैं, सबसे ज़्यादा उपाधियाँ जो मिली थी ये महाराणा कुंभा को ही मिली थी, लगभग 108 उपाधियाँ महाराणा कुंभा के पास थी, महाराणा कुंभा को जो उपाधियाँ मिली थी वो 108 उपाधियाँ थी, जिनमें प्रमुख थी अभिनव भट्टाचार्य की, हिंदू सुल्तान की, हाल गुरु की, रानो रासो कहा जाता था इनको, महाराजाधिराज, परम गुरु, टोडरमल, ये जो है ये टोडरमल मेवाड़ के टोडरमल है, तो ये इनकी उपाधियाँ थी जो इनको उपाधियाँ मिली थी महाराणा कुंभा को, ये सारी लिखी हुई है विजय स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। क्या होता है कि महाराणा जो लाखा होता है इसके तीन पुत्र थे, कुंवर चूड़ा मोकल, कुंवर चूड़ा था इस, ये कुंवर चूड़ा को मोकल के राज्य अभिषेक के समय राज्य से निकाल दिया, है ना, और कुंवर चूड़ा
निकल गए, जबकि राघव जो था तीसरा पुत्र इनका, वो वहीं पर सरदार बन गया था। फिर क्या होता है कि जो राव रनमल होता है, राव रनमल जो कि महाराणा कुंभा के मामा थे, कुंभा के मामा लगते थे, वो हंसा भाई के भाई थे। इनके कुंभा उस टाइम बहुत छोटा था, तो बहुत छोटा होने के कारण क्या करता है कि चित्तौड़गढ़ का जो राज है अपने हाथों में नहीं ले पाता है ना। तो ये राव रनमल इसको चित्तौड़गढ़ के राज्य को अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो छोटा था, वो नहीं ले पाता, तो इसने ले लिया। और मेवाड़ में जो भी सरदार थे उस टाइम, जो भी सरदार थे मोकल के टाइम, उन्हें हटाना शुरू कर दिया था राव रनमल ने। और राठौड़ जो थे, जो मारवाड़ के होते थे, मारवाड़ के सरदार थे, राठौड़ सरदारों की नियुक्ति करना शुरू कर दी थी, जबकि मेवाड़ सरदारों को हटाना शुरू कर दिया था। तो इस बात से ये राणा कुंभा और राव चूड़ा ये टेंशन में आने लगे कि भाई ये तो राव रनमल जो है ये अपना अधिकार करता जा रहा है मेवाड़ पर। तो क्या हुआ था कि राव रनमल ने कुंवर राघव की भी हत्या कर दी थी। जो ये कुंवर चूड़ा था, कुंवर चूड़ा का जो छोटा भाई था कुंवर राघव, उसको राव रनमल ने मार दिया था। उसके बाद महाराणा कुंभा से कुंवर चूड़ा ने मिल करके एक योजना बनाई थी, क्योंकि कुंवर महाराणा कुंभा का चाचा था कुंवर राघव। तो महाराणा कुंभा गए थे कुंवर चूड़ा के पास में, सारी बात उनको बताई, और इनके साथ इन्होंने एक योजना बनाई राव रनमल की हत्या की, राव रनमल को मारने की महाराणा कुंभा और कुंवर चूड़ा ने योजना बनाई थी। इस योजना के दौरान क्या हुआ था कि रनमल की जो दासी थी, इसने महाराणा कुंभा का सहयोग किया था और रनमल जो था उसको मरवा दिया था। रनमल की दासी ने कुंभा का सहयोग करके उसको मरवा दिया था रनमल को। तो राव रनमल मर गया। फिर क्या किया था कि महाराणा कुंभा के जो रनमल के पुत्र थे राव जोधा, उसको मारने की प्लानिंग कर रहे थे महाराणा कुंभा। रनमल को मार दिया, अब महाराणा कुंभा कर रहे प्लानिंग राव जोधा को मारने की, जो कि राव रनमल के बेटे थे मारवाड़ के राजकुमार। तो क्या हुआ था कि मारवाड़ के जो राठौड़ थे उन्होंने नारा लगाया था कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रनमल मारे जाए, मतलब आप भाग सकते हो तो भाग लो, जो आपका रनमल था राजा वो मर गया है, आपकी बारी है, आप भाग लो। तो ये नारा जनरली प्रश्न क्वेश्चन में आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, भाग सके तो भाग जोधा, थारो रनमल वार हो जाए। ये नारा लगाया गया था राठौड़ सरदारों के द्वारा, जब महाराणा कुंभा राव जोधा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, मारने की योजना बना रहे थे। तो इस तरह का मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। फिर क्या होता है कि राव जोधा जो होता है, राव जोधा और राणा कुंभा के बीच हंसाबाई आ जाती है, मतलब राव जोधा भाग लेता है वहाँ से, भाग करके काहोनी गांव में आकर के छिप जाता है। काहोनी एक गांव होता है वहाँ, ये मेवाड़ और चित्तौड़, ये मेवाड़ हो गया, ये चित्तौड़, ये मारवाड़ हो गया है ना। तो मारवाड़ से भाग करके ये राव जोधा जो है ये काहोनी गांव में आकर के छिप जाता है। फिर क्या होता है कि जो राव जोधा है इसकी तो बुआ है हंसाबाई, क्योंकि इसके पापा की बहन थी, राव रनमल की बहन थी हंसाबाई, तो इसकी बुआ है, जबकि राणा कुंभा की जो है राजमाता है हंसाबाई। हंसाबाई तो राजमाता नहीं, राणा कुंभा की ही माता है हंसाबाई। तो हंसाबाई ने क्या किया था, राव जोधा और राव राणा कुंभा के बीच में मध्यस्थता की थी और एक आंवला और आंवल बावल की संधि कराई थी। ये आंवल बावल की संधि कही जाती है क्योंकि आंवला का पेड़ और बबूल का पेड़, दो पेड़ था, सीमा लगाते थे दो पेड़, आंवला का और बबूल का, उस जगह इन्होंने बैठ करके संधि कराई थी हंसाबाई ने राव जोधा और राणा कुंभा की। तो इसलिए इस संधि को कहा जाता है आंवल बावल की संधि। इस संधि की एक शर्त थी कि राव जोधा जो था उसकी बड़ी पुत्री थी श्रृंगार देवी, उस श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा जो है इसका बेटा है रायमल के साथ किया जाएगा। राणा रायमल कौन थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को लास्ट अपनी राजधानी बनाया था, चित्तौड़गढ़ के बाद में बनी थी, ये चित्तौड़गढ़ रही सेकंड लास्ट, चित्तौड़गढ़ के बाद में एक उदयपुर बनी थी। तो जो राणा रायमल के साथ इसका ये है राव जोधा, इसकी पुत्री का विवाह होगा, राव जोधा की पुत्री का विवाह राणा रायमल जो कि राणा कुंभा के बड़े बेटे हैं उनके साथ किया जाएगा, ये आवल बावल की संधि की शर्त थी।
इसके बाद हम महाराणा कुंभा ने जो जो सैनिक अभियान चलाए थे, जो ये युद्ध लड़े थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम कल इसी समय मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।